देह का अनिवार आवेद या मन की आर्त पुकार, स्वप्न और वास्तव के दरमियान झूलने वाला एक झूला या मन को बंदीवान करने वाली रोजमर्रा की जिंदगी। मन के बाहर भी तो एक दुनिया है। हर समस्या के लिए शास्त्री ने अपनी आत्मा, अपना मन और अपनी बुद्धि को प्रमाण मानकर मार्ग चुना। ब्रह्मवृंद ने श्राद्ध के लिए उसके घर जाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसने फुलवंती को घर में आश्रय दिया। मगर न शास्त्री डगमगाया न लक्ष्मी। बिना ब्राह्मणों के शास्त्री ने पितरों का श्राद्ध किया, मगर मन के भीतर भी तो एक दुनिया है। प्रीत, आभास और वास्तव के दरमियान झूलने वाला एक झूला या फिर मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु। तेरे ही भरोसे मैंने उस दिन मृदंग उनके सामने रख दिया था। अरे सत्यम बुआ, कैसी है तबीयत अब? पाँव में गठिया, पेट में बाँह, छाती में धड़कन और सर में दर्द, बाकी तबीयत तो ठीक है। अब बता, तेरी कैसे निभ रही है? निभ रही है माने? तकलीफ तो नहीं देती? कौन? आज क्या उल्टी सीधी बातें पूछ रही हो सत्यम बुआ? वही जो थी तो कहानी, पर बन गई सेज की रानी। वही नर्तकी? वो तो बड़ी अच्छी है सत्यम बुआ। अभी नहीं है ना, ऐसा ही सबको बस में कर लेगी। फिर देखना, ये तो उसके हाथी के दांत है दिखाने के। रहती कहाँ है? कहाँ मतलब? घर में, नीचे कोठरी दे रखी है वहां पर। और सोती कहाँ है? अपनी कोठरी में। और तू? मैं भी अपनी कोठरी में। वो नीचे नहीं आता? लो, नीचे नहीं जाएंगे क्या? सारा समय छत पर ही रहेंगे? तू तो उल्लू है उल्लू, मेरी बात समझ। मैं तुम्हारी हर बात समझ रही हूं, तुम ही मेरी बात नहीं समझ रही। इन्होंने मुकाबला जीतकर अपना धर्म निभाया है और उसने दासी बनकर अपनी बात रखी, तो मुझे भी मेरा धर्म निभाना चाहिए। मेरा अपने पति पर पूरा विश्वास है। आज मंदिर में सत्यम बुआ मिली थी। क्या कह रही थी? पूछ रही थी तू कहाँ सोती है। एकदम सही है सवाल। और पूछने लगी वो आपके बारे में भी पूछ रही थी। बोली नीचे तो नहीं जाता। तुमने क्या कहा? मैंने कहा जाते हैं, दिन भर छत पर थोड़े ही टंगे रहेंगे। अच्छा अगर मैं जाऊं तो? शौक से जाइए, मैं नहीं रोकूंगी। कुछ भी नहीं करोगी, सिर्फ देखा करोगी? झगड़ोगी भी नहीं उससे? मेरे लिए तो सब कुछ आप है, आपकी वजह से वो है, इसलिए झगड़ा करना है तो आपसे करूंगी, उसे क्यों बीच लाऊं?
बात कहूं अगर आप इजाजत दे तो? कहो, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? वो आपने जो बोल दिए थे ना, याद नहीं किए? यही नहीं, नहीं बोल तो याद हो गए। एक पुराना गाना था, वो इन बोलों पर बराबर जमता है। सुनाओ। गाना राधा किशन का है। राधा जी जब पहली बार कृष्ण जी को देखती है तो उन्हें दोबारा कृष्ण जी को देखने की लालसा पैदा होती है, और इसीलिए वो एक स्वांग रचाती है जैसे किसी नाग ने उन्हें डस लिया हो। फिर श्री कृष्ण ओझा बनकर आते हैं, राधा को स्पर्श करते हैं और वो होश में आ जाती हैं। सुना है मैंने कृष्णोपासक भक्त गाते हैं, मगर उसका असली अर्थ जानती हो? मैं तो गाना जानती हूं, मैं अर्थ क्या जानू? मैं बताता हूं, श्री कृष्ण परमात्मा हैं और राधा उनकी आलादिनी शक्ति। नर नारी का रूप लेकर दोनों लीलाएं रचते हैं। राधा एक प्रेममयी आत्मा है, श्री कृष्ण से जन्म जन्मांतर का साथ है, परंतु मानव रूप में एकदम साथ कैसे हो? आत्मा की परमात्मा से एकाकार होने की लालसा तो अटूट है, इसलिए राधा एक नाटक रचती हैं, बहाना करती हैं कि उन्हें शांति दें। यह लीला है, मानव रूप में की गई है, परंतु उसके संदर्भ आध्यात्मिक हैं। पर तुम सुनाओ। डस गया श्याम भुजंग काला, डस गया श्याम भुजंग काला, राधा केतन विष लहराया, नीली पड़ गई वह बाला। हाय हृदय के बीच डसारे, हाय हृदय के बीच डसारे, तब से बेहोशी है, कान्हा ओझा तुरंत बुलाओ, कान्हा ओझा तुरंत बुलाओ, वो ही जाने पाला। आया कान्हा ओझा बनके, आया कान्हा ओझा बनके, राधा का मन उमगा, आया कान्हा ओझा बनके, राधा का मन उमगा, तन पुलकित जब लगा देखने, नाड़ी असली कान्हा।
लक्ष्मी, एक सवाल का जवाब दो। मुझे डराइए मत। तुमने मुझे फूलवंती की कलाई थामे हुए नहीं देखा था? देखा था। फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। कहना क्या था? तुम्हारा पति एक स्त्री की कलाई थामे हुए है और ये तुम देख रही हो, फिर भी तुम्हें क्रोध नहीं आया, दुख नहीं हुआ? नहीं तो क्यों? एक तो फूलवंती को मैं पराया नहीं मानती, फिर वो आपके शिष्या है। शिष्या को सिखाते समय गुरु ने उसे छू लिया तो कौन सा गलत काम किया? तुम क्यों अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ाए हुए हो? वो अब अपने को शिष्या नहीं समझते। तुम इतना भी नहीं जानती, एक स्त्री होकर, एक पत्नी होकर? मैं तो सिर्फ आपको जानती हूं, मुझे दूसरे से क्या करना? यह खेल बहुत भयानक है लक्ष्मी। मैंने तो कोई खेल नहीं माना, और मुझे मालूम है आप भी नहीं मानते। मैंने समझने में गलती तो नहीं की ना? वेदमूर्ति वेंकटेश शास्त्री आपका दर्शन करना चाहते हैं। नमस्कार श्रीमंत। आज अचानक शास्त्री जी, फूलवंती भाई भी, कहिए कैसे पता रहे? श्रीमंत, एक प्रार्थना करने सरकार की सेवा में हाजिर हुआ हूं। कहिए कहिए, निशंक होकर कहिए। श्रीमंत, फूलवंती बाई एक श्रेष्ठ कलाकार हैं। निसंदेह, ये तो हम जमाने से माने बैठे हैं। परंतु खुद फूलवंती बाई को इस बात का पता नहीं था। यह कैसे? श्रीमंत, शास्त्रों में लिखा है कि सीमाओं का बीहड़ बन पार करने के बाद ही सामर्थ्य का शिखर नजर आता है। श्रेष्ठता वाहवाही से नहीं मिलती, बल्कि एकांतिक तपस्या और कठोर आत्म परीक्षा से मिलती है। फूलवंती बाई ने प्रशंसा पाई तो वो अहंकार का शिकार हो गई। उनके कंठ से गीत नहीं गूंजा, एक हुंकार उठी। उनका पदन्यास लालित्य नहीं रह गया, अखिल विश्व को पादाक्रांत करने की एक अटल लालसा बन गया। श्रीमंत, घमंड के पादत्राण दूर करने के बाद ही विद्या और कला के विद्यालय में प्रवेश किया जाता है। सर्वोच्च सफलता को इदम नममा कहकर ही ईश्वर के चरणों में अर्पित किया जाता है। स्वाभिमान की रक्षा की जाती है और दुराभिमान को दूर किया जाता है। फूलवंती बाई से यही भूल हो गई। इसीलिए श्रीमंत, मैंने इन्हें कठोर शब्द, शायद अपशब्द कहे। मैं इनके घमंड को भीतर से कुरेद कर दूर करना चाहता था। दुर्भाग्य से मेरे नाखून ने गहरा खून खराबा कर दिया। मैं अपने इस अपराध की क्षमा चाहता हूं, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो कुछ कहा इनका अपमान करने की नीयत से नहीं, इनके भीतर सोए हुए सच्चे कलाकार को जगाने के लिए किया। वाह शास्त्री जी, खूब कहा। परंतु फूलवंती बाई तो अपने ही शर्त के मुताबिक आपकी दासी बन चुकी है। अब वो आपका विषय है, आप उन्हें चाहे वैसे बनाए। अगर सहायता चाहे तो कहे। नहीं श्रीमंत, एक स्वर्गीय अप्सरा को दासी बनाने के तुच्छ लक्ष्य से मैंने इन्हें पराजित नहीं किया, बल्कि इनकी भलाई के लिए ही किया। हमें प्रसन्नता है, लेकिन इससे हमारा क्या संबंध है? श्रीमंत, विद्यावंत और कलावंत को खरीद कर गुलाम नहीं बनाया जा सकता, और न ऐसी कोशिश ही करनी चाहिए। यह मां सरस्वती का अपमान है। फूलवंती बाई मेरी दासी नहीं है, मैं इन्हें शर्त से मुक्त करने की अनुमति चाहता हूं। परंतु यह स्त्री? श्रीमंत, मेरे हृदय में मेरी लक्ष्मी और माथे पर सरस्वती का निवास है, किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है।
मेरी आपसे प्रार्थना है कि फूलवंती बाई को खास दरबारी कलावंत के रूप में सम्मान दिया जाए। अवश्य अवश्य, इसमें हमारे दरबार का गौरव है, हमें मंजूर है। तो आप जाने की आज्ञा दीजिए। फूलवंती कहाँ गई? क्या आपने पुराने बास से गई है? कब आएगी? अब नहीं आएगी, और उसे आना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? नैवेद्य की थाली लगाऊं? लगाओ। बोल, दिल का बोझ उतार दे। बोल, बोल बेटी। मैं उनकी दासी नहीं रही हूँ, मैं अब पेशवा दरबार की कलावंत बन गई हूँ। उन्होंने मुझे अपने गुलाम से मुक्त कर दिया। मुन्नी, मुझे तुझे ये कहते नहीं बनता कि शास्त्री ने जो किया वो गलत किया। उसने तेरी लियाकत, तेरे हुनर और फन को सही पहचाना। वो मुझे दरियादिल इंसान मालूम पड़ता है। उसने तुझे आजादी दिलाई। दूसरा अगर कोई होता तो शायद ऐसा ना करता। वो मुझे यूं भी तो आजाद कर सकते थे, आखिर पेशवा दरबार की कलावंत होने से मुझे क्यों इतराज होता? लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया उस्ताद जी? उन्होंने मुझे निकाल दिया उस्ताद जी, आखिर मेरी खता क्या थी? शास्त्री की बीवी? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहिए। वो क्या नहीं थी? मेरी मेरी दीदी थी वो, मेरी माँ थी, मेरी सरपरस्त थी वो। अगर वो वहां नहीं होती तो शायद मैं वहां रह भी ना पाती। मुन्ने, अब भूलने की कोशिश कर। नहीं उस्ताद जी, वो इतना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। वो मकान, वो माहौल, वो सब कुछ मेरे दिल में उतर चुका है। उनसे ताल्लुक रखने वाली हर चीज मुझे अपनी महसूस होती है। मुझे छोड़ ही देना था तो क्यों इतना दुलार दिया? क्यों इतनी ममता दिखाई? मुझ डुबती को क्यों सहारा दिया? और फिर क्यों छोड़ दिया उस्ताद जी, क्यों? बड़ा टेढ़ा सवाल है ये। इसका जवाब शायद शास्त्री के पास भी नहीं होगा। उस्ताद जी, मैं उनके पास जाऊंगी, दोबारा जाऊंगी और उन्हें पूछूंगी कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुन्ने, मुझे ये बता, साये के पीछे दौड़ने में कौन सी कलमंदी है? हम उतने के ही हकदार होते हैं जितना परवरदिगार हमारी झोली में डाल देता है। सोचो, कल सुबह बात करेंगे। हाँ?